कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक में कांग्रेस का सदस्यता अभियान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम रावत ने बड़ी संख्या में बीएसपी और बीजेपी छोड़कर आए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सीएम रावत ने कहा कि कांग्रेस में जमीन से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में टिकट की चाह वाले लोग जा रहे हैं। तो सीएम हरीश रावत का दावा, जमीन से जुड़े लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीएसपी और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, यह भी दावा किया। तो हरीश रावत ने कई कार्यकर्ताओं को, कई सदस्यों को शपथ दिलाई। तो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, बीएसपी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई नेता कांग्रेस में शामिल हैं। तो और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शोभित, हमारे साथ शोभित वर्मा जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। शोभित, आपसे जानना चाहेंगे दावे और दावों की हकीकत क्या है, क्योंकि सीएम हरीश रावत ने दावा तो किया, बीएसपी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो है उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जमीन से जुड़े लोग उनकी पार्टी का रुख कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? बिल्कुल नवी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हरीश रावत का हरिद्वार दौरा था, उसके बाद उन्होंने बहादराबाद में आयोजित ब्लॉक स्तर पर इस सदस्य अभियान में सम्मेलन में भाग लिया, और इसी दौरान सीएम हरीश रावत ने बड़ी संख्या में बसपा और बीजेपी से छोड़ के आए लोगों को कांग्रेस का विधिवत सदस्यता भी दिलाई है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में बड़े चेहरे के तौर पर बहादराबाद ब्लॉक के करीब सैकड़ों वर्तमान और पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं, वो भी शामिल हुए हैं। सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने जो जितने भी लोग जुड़े हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और बीजेपी में टिकट की चाह रखने वाले जो लोग हैं वो सीएम का साथ छोड़कर जा रहे हैं, और जो 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 जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती दिलाएंगे, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो सीएम हरीश रावत का आज का दौरा जो अहम दौरा रहा, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है बीएसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, और उसके बाद इस तरह से बड़ी संख्या में आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं एक सफल कार्यक्रम यहां हरिद्वार में सीएम हरीश रावत का रहा। लवी जी, किस तरह की हलचल आज गहमा गहमी देखी गई? हरीश रावत खुद वहां बैठक में पहुंचे थे और कई सदस्यों को, कई लोगों को सदस्यता दिलाई, ऐसे में कितना अहम माना जा रहा है? देखिए लवी, जिस तरह से आज जो सदस्यता दिलाई गई है उसमें बहुत से ऐसे चेहरे थे जो बसपा का थामन उन्होंने कई वर्षों से थाम रखा था, उन्होंने आज उनका दामन छोड़कर हरीश रावत के साथ आए हैं। बीजेपी के कुछ ऐसे चेहरे थे जो जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से दोबारा कांग्रेस उत्तराखंड में आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा अनुभव यहाँ पे मिला है, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस में जुड़ने का प्रयास जो लगातार करते हैं, और आज जो सीएम हरीश रावत ने खुद ही सदस्यता दिलाई है, विधिवत रूप से सदस्यता दिलाई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज कांग्रेस के लिए उत्तराखंड से जाने वाला है। और क्योंकि 2017 में चुनाव है तो चुनाव को लेकर भी यह अहम बैठक रही है, और इसमें जिस तरह से कार्यकर्ता जुड़े हैं तो सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस का दामन अनुसार थामा है, तो कांग्रेस हर तत्पर इनकी मदद करेगी और हर समय कांग्रेस इनके साथ खड़ी रहेगी। शुक्रिया शोभित, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी संवाददाता शोभित वर्मा।